हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट प्रोजेक्ट एजुकेशन। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। कैसे हैं दोस्तों, अच्छे होंगे। लेट्स स्टार्ट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैंने शॉर्ट में लिखा है TRS, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। क्या होते हैं दोस्तों, जब एंगल जैसे ए है, मैं उसको किसी से मल्टीप्लाई कर दूं, 2A, ठीक है, 4A ऐसे, और सब मल्टीपल मल्टीपल एंड सब मल्टीपल में ए बाई टू है ना, ए बाई फोर ऐसे। तो इन सब एंगल के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स सी दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अपन ने जो चीजें कुछ पढ़ रखी है उनके बारे में फिर से सोचते हैं, लेकिन कुछ जरूरी बातें कि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से ट्रिग्नोमेट्री की DPP को करना भी बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम के लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जिससे मैं आपको प्रोजेक्ट एजुकेशन के ग्रुप में टेलीग्राम चैनल में ऐड कर सकूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आपको एक मैंने बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा फॉर्मूला बताया था, साइन ए प्लस बी। दोस्तों जैसे हमने जो चीजें पढ़ ली है उसके बेस पे आगे बढ़ेंगे। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता था, साइन ए कॉस बी प्लस कोसे साइन बी। खटा दोस्तों, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता था साइन ए कॉस बी प्लस कोसे साइन बी। आपको याद होगा दोस्तों, पक्का याद होगा। चलो यहीं से कुछ जादू मंत्र करते हैं दोस्तों। मैं क्या करता हूं, बी को भी ए अज्यूम कर लूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा दोस्तों, साइन ए प्लस ए। अगर बी की जगह ए पुट कर दूं तो ये साइन ए प्लस ए यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन ए कॉस बी की जगह हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस ए साइन बी की जगह हो जाएगा साइन ए। बच्चों ध्यान से देखने पे आपको पता चला a प्लस ए क्या हो गया, साइन 2a। और दोस्तों यहां क्या हो गया, साइन ए कोस ए, ये भी साइन ए कोस ए, तो इसको मैं क्या लिख दूं, 2 साइन ए कॉस ए। देन दोस्तों ये क्या फॉर्मूला निकल के सामने आया, साइन 2a। साइन 2a का फॉर्मूला क्या आया, 2 साइन ए कॉस ए। बच्चों साइन 2a का फॉर्मूला क्या आया, 2 साइन ए कॉस ए। बच्चे कहेंगे जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर एक जादू बताता हूं। देखिए ध्यान से देखना, साइन 2a का फॉर्मूला आया 2 साइन ए कॉस ए। मैं अगर लाइन खींच के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, 1, क्योंकि 2 साइन ए कॉस ए को 1 से डिवाइड किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहेंगे बिल्कुल गुरुदेव। और मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर मेरे सारे वीडियो लेक्चर आप स्टार्ट से देखते आ रहे हैं तो मैंने स्टार्टिंग के जो ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर है उसमें एक बात बोली थी कि आप 9th-10th में पढ़ के आए क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दिखाई दे रहा है दोस्तों, बिल्कुल 9th और 10th में आपने पढ़ा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में बोला था ट्रिग्नोमेट्री के कि IIT में यही फॉर्मूला कैसे याद रखना, अब आपको 1 अगर कहीं दिखाई दे दे तो आप क्या लिख दोगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। कहीं पे 1 दिखे तो आप क्या लिख दोगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ये डिफरेंस हुआ 10th से IIT की प्रिपरेशन में। अब आपको क्या समझना है कि 1 इज इक्वल टू भी ये लिखा जा सकता है, अगर साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए 1 है तो कहीं पे अगर 1 दिखे तो उसकी जगह आप क्या लिख दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। पिक्चर क्लियर दोस्तों, चमत्कार हो गया। फिर आगे देखे, फिर क्या करो, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों को ध्यान से देखना दोस्तों। मैं क्या कर रहा हूं, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों को कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर रहा हूं दोस्तों, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये लीजिए भैया, मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों को कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड ठोका, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इक्वल का साइन। आप कहेंगे बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल सत्य वचन। आगे बढ़ो, 2 देखो, अब ये कॉस ए से कॉस ए गया तो क्या बचा, साइन ए अपॉन कोस ए, तो क्या हो गया, साइन 2a का नया वाला फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन ए अपॉन कोस ए। दोस्तों क्या बन गया, 2 tan a अपॉन,
दोस्तों ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, ये जो था वन की जगह मैंने साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए रखा, डिनोमिनेटर न्यूमेरेटर दोनों को कोस स्क्वायर ए से डिवाइड किया, कर सकता हूं ना, देखो वापस कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, तो कोस ए से कोस ए गया तो साइन ए अपॉन कोस ए टेन ए हो गया, यहां इसको डिवाइड किया तो टेन स्क्वायर ए हो गया, देखो मैं यहां लिख देता हूं, कोई बात नहीं, एक ही बात है, एंड यहां अगर कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए क्या हो गया, वन हो गया दोस्तों। तो साइन टू ए का फॉर्मूला, एक नया फॉर्मूला निकल के आया, किस फॉर्म में, टेन ए के टर्म्स में, क्या निकल के आया दोस्तों, टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। कैसे प्रूव हुआ, बिल्कुल इसी से प्रूव हुआ, जस्ट इससे प्रूव हुआ, साइन टू ए इज इक्वल टू टू साइन ए कोस ए, इसी से मैंने ये फॉर्मूला प्रूव करा। ध्यान से वापस देख लो, यहां वन की जगह ये पुट कर दिया, फिर कोस स्क्वायर ए से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया और ये फॉर्मूला आ गया। आप कहेंगे जय जय गुरुदेव, ये तो बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट बताया आपने। बच्चों ये आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको और बता देते हैं, बिल्कुल देखिए आप। चलो अब कुछ समझने लायक बातें समझो, अब इसका जनरलाइजेशन करता हूं साइन टू ए के फॉर्मुलों का बच्चा। तो जो साइन टू ए का फॉर्मूला है आपने उसको समझ लिया, अच्छी बात है, वेरी गुड। समझने वाली बात को समझो, हुआ क्या है एक्चुअल में, ये क्या होता है, ये एक एंगल होता है दोस्तों, ध्यान से समझना, 2a का मतलब कुछ भी नहीं है, 2a एक एंगल होता है, और यहां पे a आने का मतलब, और यहां a आने का मतलब हुआ, यहां पे डबल एंगल था, यहां पे हाफ हाफ एंगल हो गया। फॉर एग्जाम्पल, यहां मैं एक एग्जाम्पल लू, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे बोलूं आपको कि साइन 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 45 डिग्री इज इक्वल टू, आपको यही फॉर्मूला लगाना है, तो आप क्या लिखोगे, टू साइन 22 एंड हाफ डिग्री कॉस 22 एंड हाफ डिग्री। आपने कुछ नहीं सोचा, ये जो एंगल था उसका हाफ एंगल करके यहां लिख दिया, क्योंकि फॉर्मूला बोलता है जो यहां एंगल है उसका हाफ करके यहां लिख दो। दोस्तों अगर यहां पे 25 डिग्री होता तो आप क्या लिखते, आप लिखते 2 साइन 12 एंड हाफ डिग्री कॉस 12 एंड हाफ डिग्री। पिक्चर क्लियर कर लो दोस्तों, आप कहेंगे बिल्कुल सर जी, तो भैया आपसे अगर पूछा जाए कि साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे नहीं होगा क्योंकि साइन 2a का फॉर्मूला होता था। मैं बोलूंगा बिल्कुल गलत, साइन 2a मैंने बिल्कुल बताया था, यह एक एंगल होता है, यह एक एंगल होता है, ये एक एंगल होता है, तो अपने को क्या करना है फॉर्मूले में, यहां एंगल हाफ कर देना है, इसलिए साइन ए का भी फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, टू साइन यहां क्या आएगा ए बाई टू कॉस ए बाई टू, जो एंगल था उसका आपको क्या कर देना है, हाफ कर देना है। तो आप कहोगे सर जी फिर तो साइन ए बाई टू का भी फॉर्मूला बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, टू साइन ए बाई फोर, टू साइन ए बाई फोर कॉस ए बाई फोर, जो यहां एंगल है उसका हाफ यहां कर दो। आप कहोगे सर जी फिर तो साइन ए बाई फोर का भी फॉर्मूला बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, टू साइन ए बाई एट कॉस ए बाई एट, मेरे को क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो यहां एंगल था उसका हाफ कर देना है, बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं, यह है एक्चुअल फॉर्मूला। तो कई बच्चे क्या करते हैं, यहां 2a लिखा हुआ है वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि भैया 2a आएगा तो ही करेंगे, भैया 2a से तुझे क्या मतलब, ये तो एक एंगल होता है, ये एक एंगल है तो उसको हाफ हाफ कर देना है, तो साइन एंगल इज इक्वल टू टू साइन हाफ एंगल कोस हाफ एंगल, ये एक्चुअल जनरलाइजेशन हुआ। तो आप कहोगे साइन ए बाई एट का भी, बिल्कुल ए बाई एट कर दो, साइन ए बाई 16 कर दो, ए बाई 32 कर दो, करते जाओ, जो भी एंगल रखेंगे सामने उसका हाफ एंगल ले लेना है, ये हुआ जनरलाइजेशन। तो बच्चों आपको ये सारी कहानी समझ में आई होगी, बहुत ही प्यारी सी कहानी है, तो फिर कुछ इसमें और चमत्कार करने बाकी है, तो इसे नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चे कहेंगे सर ये सारे फॉर्मूले याद करें, ना बाबा ना, अपने को केवल एक ये एंड ये सेकंड, ये वाला सेकंड, ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं दोस्तों, आपके जो वो कागज है जो सामने लगा रखा है आपने दीवार पे, उस पे इनको भी लिख लें, ठीक है। तो साइन टू ए और साइन टू ए के दो फॉर्मूले होते हैं, आपको सर फिर इनका क्या करना है, दिमाग में रखना है,
कि भैया यहां जो एंगल होता है वो हाफ करना है, तो आप ये फॉर्मूला याद है तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक आप कभी भी बना सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इनको नोट डाउन करें। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला और डिराइव करते हैं, वो प्यारा सा फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। साइन एक्स, मैंने क्या लिखा, साइन एक्स। दोस्तों फॉर्मूला आपको पता है क्या बन सकता है इससे, साइन एक्स से फॉर्मूला बनेगा 2 sin x / 2 cos x / 2। खटा, क्योंकि आपको पता है साइन 2a क्या होता था, 2 sin a cos a, एंगल क्या होता है हमेशा हाफ होता है, तो अपन बना सकते हैं 2 sin x / 2 cos x / 2। ठीक है, आगे बढ़ो। आप कहोगे सर जी sin x / 2 को आप क्या लिख सकते हो, बिल्कुल आप जैसा सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं दोस्तों। तो मैं क्या करूंगा, 2 cos x / 2 को इधर लिखूंगा और यहां लिखूंगा sin x / 2। ध्यान से देखें दोस्तों, फिर आगे बढ़ा जाए तो बच्चों क्या बन जाता है, आपको पता लग गया मैं क्या करने वाला हूं, sin x / 2 में फिर फॉर्मूला लगाता हूं, तो दोस्तों क्या बन जाता है, 2 cos x / 2, एंड यहां पे फॉर्मूला लगाता हूं तो दोस्तों बन जाता है 2 sin x / 2 square cos x / 2 square। दोस्तों ध्यान से देखिए, क्या मैंने सही लिखा है? आप कहेंगे जी सर, sin x / 2 था, इसका क्या होगा, 2 sin, एंगल को हाफ कर दे यानी 2 से फिर डिवाइड कर दे, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 2 square, और यहां पे भी 2 square, यहां 2 से डिवाइड करके लिखना है तो हाफ एंगल करने पे 2 square 2 square, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूं, sin 2a क्या होता था, 2 sin a cos a। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको ये होता था, तो जो एंगल है उसका हाफ हो जाता था, तो यहां पे sin x / 2 है तो उसका हाफ करने पे 2 square 2 square बन जाएगा दोस्तों। आप कहेंगे जी गुरुदेव, भैया फिर क्या होगा, ध्यान से देखें आप, 2 cos x / 2 लिखा आपने, एंड यहां से आपने ये 2 एंड ये वाला निकाला और यहां पे लिख दिया 2 cos x / 2 square, और दोस्तों ब्रैकेट में क्या लिख दिया, sin x / 2 square। आप कहेंगे बिल्कुल सर, अब आपको फिर पता चल गया कि मैं क्या करने वाला हूं, इसका फिर आगे और समझ गए आप, तो क्या होगा, 2 cos x / 2 square, और यहां क्या बन जाएगा दोस्तों, इसका इसका बन जाएगा 2 sin x / 2 cube cos x / 2 cube। खटा, बड़े ध्यान से देखे दोस्तों, 2 cos x / 2 2 cos x / 2 square, दोस्तों ये बन गया 2, ये फिर हो गया, मैंने 2 से डिवाइड किया था दोस्तों, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 क्यूब बन जाएगा, देखो ये वाला फॉर्मूला हमने फिर लगा दिया। फिर वापस इसको कैसे लिखता हूं, 2 cos x / 2, फिर लिखता हूं 2 cos x / 2 square, फिर लिखता हूं 2 cos x / 2 cube, एंड यहां पर आ गया sin x / 2 cube। दोस्तों देखो, फर्स्ट टाइम मैंने क्या किया, यहां पे वन टाइम, फिर यहां पे सेकंड टाइम, फिर यहां पे क्या हुआ, थर्ड टाइम, मैंने 3 बार साइन 2a का फॉर्मूला लगाया, कितनी बार लगाया, 3 times। फर्स्ट टाइम यहां लगाया, उसके बाद यहां अलग कर दिया, सेकंड टाइम यहां लगाया तो नीचे 2 square हो गया, और फिर थर्ड टाइम लगाया यहां पर, यहां जाके थर्ड टाइम लगाया तो देखो 2 cube हो गया। ध्यान से समझना दोस्तों, मैंने साइन एक्स में फर्स्ट टाइम ये फॉर्मूला लगाया तो अपॉन में 2 आ गया, सेकंड टाइम लगाया तो 2 square आ गया, सुनना बात को, फर्स्ट टाइम लगाने पे अपॉन में 2 आया 2 की पावर 1, सेकंड टाइम लगाया तो 2 की पावर 2, थर्ड टाइम लगाया तो यहां पे थर्ड टाइम लगा इसमें तो 2 की पावर 3। तो अगर मैं एन टाइम्स लगाता हूं तो 2 की पावर क्या आएगी दोस्तों, एन आएगी। ध्यान से सुने दोस्तों, अगर मैं n टाइम्स लगाता हूं तो 2 की पावर n आएगी, और 2 कितने टाइम्स आएगा सोचो, फर्स्ट टाइम लगाया तो 2 वन टाइम आया, सेकंड टाइम लगाने पे 2 कितने टाइम्स हो गया, देखो ये 1 ये 2, 2 बार 2 बन गया, थर्ड टाइम लगाने पे देखो यहां पे आके कितने 2 हो गए, 3 2 हो गए। तो अगर ये काम मैं n टाइम्स करूं तो 2 कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स आएगा, तो दोस्तों आप लिख सकते हैं 2 की पावर n। अगर ये काम मैं n टाइम्स तक करता जाऊं तो ये 2 कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स आएगा, तो सारे मल्टीप्लाई होके 2 की पावर n बन जाएगी, और दोस्तों क्या होगा, ध्यान से देखना, cos x / 2 आएगा, cos x / 2 square आएगा, cos x / 2 cube आएगा, खट 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 खट
खटा खट 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 चलता जाएगा, वो लास्ट में cos x की पावर बाई 2 की पावर n आएगा और फिर क्या होगा sin x अपॉन में 2 की पावर n आएगा। आपको इनके गुरुदेव ये कैसे पता लगा? बच्चों ध्यान से देखो, यहां पे अगर 3 टाइम्स फॉर्मूला लगाया तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3, कोस भी आया था साइन भी आया था, तो n टाइम्स लगाओगे तो 2 की पावर n, 2 की पावर n, कोस भी आया साइन भी आया। साथ में 2 कितने टाइम आ जाएगा, 3 में 3 टाइम्स लगाया तो 2 3 टाइम्स आया, n टाइम्स में 2 n टाइम्स आ जाएगा और सामने क्या आ जाएगा साइन x आ जाएगा। ये हमने एक फॉर्मूला बना दिया दोस्तों। अब आप कहोगे गुरुदेव इतने बड़े फॉर्मूला को याद रखेंगे? ना भाई ना, फॉर्मूला हम छोटा ही याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे वो देखो आप। तो हम क्या करते हैं, 2 की पावर n को इधर लाते हैं, तो साइन x अपॉन 2 की पावर n, ये को मैं ये 2 की पावर n को इसके नीचे ले आया और जो ये साइन है इसको भी नीचे ले आता हूं, तो ये हो गया साइन x अपॉन 2 की पावर n इज इक्वल टू पाई। क्या आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों? बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों, दिखाई नहीं दे रहा, तो अपने को क्या करनी पड़ेगी, जगह करनी पड़ेगी। चलो फिर करते हैं जगह अपन। लीजिए दोस्तों, तो अपन थोड़ी जगह करनी पड़ेगी अपन को, यानी यहां पे यहां पे यहां पे बहुत कलाकारी करनी पड़ेगी। चलो थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं मैं, यहां पे साइन एक्स आया दोस्तों, मैंने क्या किया इस 2 की पावर n को इधर नीचे दिया तो ये 2 की पावर n यहां आ गया, इसको भी मैं इधर लेके आ गया तो साइन x अपॉन 2 की पावर n हो गया इज इक्वल टू, क्या अब दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको? बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है 100% दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, LHS को यही रखा, RHS में ये था इसको नीचे ले आया और ये वाला था इसको नीचे ले आया, और जो ये cos वाला है इसको ध्यान से देखना, मैं क्या लिखता हूं ये लिखता हूं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन का साइन हो गया दोस्तों, और इसमें थोड़ा सा इसको नीचे लिखें तो यहां पे मल्टीप्लीकेशन का साइन हो गया r इज इक्वल टू 1 से n तक, और यहां पे मैं लिख देता हूं cos x अपॉन 2 की पावर r। तो दोस्तों ये बन गया मेरा एक सुंदर सा प्यारा सा फॉर्मूला। अब आपको पूरा पूरा दिखाई दे रहा होगा फॉर्मूला, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आप कहेंगे सर ये क्या है भैया, इसका मतलब समझो, r इज इक्वल टू 1 पुट किया तो क्या आएगा cos x 2 की पावर 1, ये रहा cos x 2 की पावर 1, 2 पुट करने पे r इज इक्वल टू 2 पुट करने पे 2 स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो भी नेक्स्ट टर्म आएगी वो मल्टीप्लाई में आएगी दोस्तों, जो r इज इक्वल टू 1 पुट करोगे कर दो, फिर नेक्स्ट टर्म 2 पुट करने पे जो लिखोगे वो मल्टीप्लाई में, फिर 3 पुट करोगे वो भी मल्टीप्लाई में, 4 पुट करोगे वो भी मल्टीप्लाई में, n पुट करोगे वो भी मल्टीप्लाई में। तो देखो पूरा का पूरा यहां से यहां तक का मैटर आएगा कि नहीं आएगा, यहां से यहां तक का ध्यान से समझे। जैसे आपने 1 पुट किया तो 2 की पावर 1, 2 पुट किया 2 की पावर 2, 3 पुट किया 2 की पावर 3, n पुट किया 2 की पावर n, और सबको मल्टीप्लीकेशन में, क्यों? क्योंकि ये साइन लग रखा है। ये साइन क्या बोलता है कि सब सारी टर्म्स को, नेक्स्ट टर्म जितनी भी आएगी उन सबको मल्टीप्लाई में लिखना है r इज इक्वल टू 1 से n। तो r इज इक्वल टू 1 से n cos x अपॉन 2 की पावर r क्या फॉर्मूला बन गया, sin x अपॉन 2 की पावर n sin x अपॉन 2 की पावर n। तो ये कुछ प्यारे प्यारे फॉर्मूले थे दोस्तों, आपको समझ में आए होंगे, इन्हें नोट डाउन करें। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, आओ फिर चलें आगे बढ़ें और कुछ प्यारे प्यारे फॉर्मूले और सीखें। तो ये पूरा का पूरा सेशन किसको डेडिकेटेड रहेगा दोस्तों? ये रहेगा फॉर्मूलों को डेडिकेटेड, कि फॉर्मूला था कैसे था, क्यों था, किस लिए था, ये सब बातें भी बात मतलब अपन चर्चा करेंगे, मतलब व्हाट हाउ है ना Why, इन सब चीजों के बारे में पता करेंगे कि ये ऐसे क्यों हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी cos a प्लस बी। cos a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है दोस्तों, बहुत ही आसान, cos a cos b माइनस sin a sin b, खटा। cos a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है, cos a cos b माइनस sin a sin b दोस्तों, और मैं एक चमत्कार करने जा रहा हूं, b इज इक्वल टू a पुट करता हूं तो यहां क्या बन जाएगा दोस्तों, a प्लस ए इज इक्वल टू कोस ए, कोस बी भी क्या बन जाएगा कोस ए माइनस साइन ए, और यहां पे भी क्या बन जाएगा साइन ए। चलो आगे बढ़ो, तो क्या हुआ दोस्तों, ये क्या बन गया कॉस टू ए इज इक्वल टू, ये क्या बन गया कॉस स्क्वायर ए माइनस, ये क्या बन गया साइन स्क्वायर ए, खटान। तो ये वाला एक फॉर्मूला बन गया बहुत ही प्यारा सा,
ये कॉस स्क्वायर हो गया, ये साइन स्क्वायर हो गया। कैसे निकाला मैंने, कॉस ए प्लस बी में बी इज इक्वल टू ए पुट कर दिया तो मेरे पास कॉस टू ए का फॉर्मूला आ गया। तो कॉस टू ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको अपन कई बार बेसिक फॉर्मूला भी बोल देते हैं। ये आपको बेसिक फॉर्मूला नाम से याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो कॉस टू ए का स्टार्टिंग बेसिक फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, फिर इससे बहुत सारे फॉर्मूले और भी डिराइव हो जाएंगे। कैसे होंगे ध्यान से देखें, आपको पता है कि कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एंड आपको एक चीज ये भी पता है कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। पिक्चर क्लियर दोस्तों, कोई भी चीज रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो फॉर्मूला मैं डब्बे में डाल देता हूं दोस्तों उसको याद कर लेना, लिख लेना कागज पे और चिपका लेना अपनी स्टडी रूम की दीवार पे और उसको हमेशा याद करते रहना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है। एसएल लोनी भी टाइम टू टाइम करते रहना, मैं लिंक शेयर कर चुका हूं। किसी बच्चे को एसएल लोनी का लिंक चाहिए तो मैं रेगुलर वीडियो के साथ एसएल लोनी का लिंक शेयर कर रहा हूं, वहां से जो जो मैं एक्सरसाइज बता चुका हूं है ना वो आपको कर लेनी है। अपने मन से कुछ नहीं करना भैया, जो जो मैं बताता हूं एसएल लोनी में वो क्वेश्चन करने में बोलता हूं, ये क्वेश्चन छोड़ दो, ये आपके कोर्स का नहीं है, वो छोड़ भी देना है। चलो फिर भी दिक्कत आ जाए, एसएल लोनी कहां से कहां तक करनी है, उसके किसी क्वेश्चन में डाउट आ जाए तो मेरे टेलीग्राम के लिंक पे पोस्ट करना बिल्कुल ना भूले। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें, वहां पे मुझे मैसेज करें, मैं आपको जवाब दूंगा। तो भैया आगे बढ़ते हैं, बच्चे गुरुदेव प्रमोशन बहुत कर देते हैं चलते चलते। ना भाई, प्रमोशन नहीं है, आपके काम की बातें होती है ना, आप गलत मत समझना इसको। तो cos 2a का फॉर्मूला हो गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एंड साथ में आपको पता है cos स्क्वायर a क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a, एंड साइन स्क्वायर a क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a दोस्तों। तो इसका जबरदस्त यूज यहां करने वाले हैं है ना, बहुत ही मजा आएगा। देखो इसको उठा के यहां पुट कर दो, तो cos 2a था, कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहां पुट किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन गया, और माइनस साइन स्क्वायर ए पहले से था। तो दोस्तों क्या बनने वाला है आपके सामने ध्यान से देखें, मैंने कुछ नहीं किया, कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहां पुट किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए, दोस्तों क्या बन गया कोस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, खटा ये लो। फिर एक फॉर्मूला तैयार, आपको भी गुरुदेव डब्बे बना दिए, ये सारे याद करने, हाँ भाई सारे याद करने, जितने भी डब्बे बनते जा रहे हैं सब डब्बों को याद करना है। तो एक फॉर्मूला फिर आपके सामने आ गया कि cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर क्या चमत्कार करते हैं, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर। अगर मैं साइन स्क्वायर ए की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं तो देखिए दोस्तों इस वाले डब्बे से क्या लिख पाओगे आप, cos 2a इज इक्वल टू, यहां पे था कॉस स्क्वायर ए, माइनस का साइन था दोस्तों, एंड साइन स्क्वायर ए की जगह आप पुट करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, कॉस 2a इज इक्वल टू ये माइनस 1, और ये देखो जब माइनस ओपन करेंगे ब्रैकेट से तो दोस्तों क्या बन जाएगा, माइनस 1 बन जाएगा, ये प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो देखो प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 1, ये प्लस, तो प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए साथ में माइनस 1। तो एक नया फॉर्मूला आपके सामने है दोस्तों, क्या फॉर्मूला बना, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस 2 ए। तो एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला और आपके सामने आ गया। आप भी गुरुदेव ये भी याद करना, बिल्कुल करना है बच्चे, बिल्कुल करना है, चूकना भी नहीं है, बिल्कुल मतलब इसमें छूट नहीं मिलेगी। cos 2a का बेसिक फॉर्मूला cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, सेकंड फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, थर्ड फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर माइनस 1, और साथ में दो फॉर्मूले और लिखाना चाहूंगा, यहां मैं जगह करना चाहूंगा दोस्तों। ये मेरा पार्टीशन हो गया, ये मेरा पार्टीशन हो गया, मैं आगे बढ़ूंगा और कुछ फॉर्मूले और याद करने के लिए आपको बोलूंगा। दोस्तों ये वाला डब्बा है, ये फॉर्मूला वापस यहां लिखते हैं, cos 2a का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ध्यान से देखना दोस्तों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला था अपना, ये डब्बे वाला फॉर्मूला था। तो दोस्तों अगर मैं 2 साइन स्क्वायर को इधर लेके आता हूं और cos 2a को उधर लेके जाता हूं, ध्यान से देखना, 2 साइन स्क्वायर ए को LHS और cos 2a को RHS में लेके जाता हूं तो ये बन जाता है 1 माइनस cos 2a, ध्यान से देखिए कुछ नहीं किया, cos 2a को उधर ले गया, 2 साइन स्क्वायर ए को इधर लाया।
तो अगर कोई आपसे पूछे कि 2 साइन स्क्वायर ए क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1 माइनस कोस 2 ए होता है, और आपसे कोई पूछे कि 1 माइनस कोस 2 ए क्या होता है, तो आप बोलेंगे 2 साइन स्क्वायर ए होता है। आप कहेंगे सर फिर डब्बा बना दिया, बिल्कुल बना दिया, ये सेपरेट सेपरेट आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल इसी तरीके से, ये अलग इस फॉर्म में, ये इस फॉर्म में याद होना चाहिए। आप कहेंगे सर उस फॉर्मूले से हम डिराइव कर लेंगे, नहीं भाई नहीं, अलग अलग याद करने हैं जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो, मुझे आपसे आउटपुट लेना है, मुझे आपसे आईआईटी के क्वेश्चन सोल्व करवाने हैं, इसलिए जैसा मैं बोलूं वैसा करते जाओ, क्वेश्चन आपसे पक्के सोल्व होंगे। अपना दिमाग लगाया तो फिर मुझे मत बोलना, इसको सेपरेट याद होना चाहिए, 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 ए। आप कहेंगे ठीक है सर हम कर लेंगे याद, फिर चलो अगर आप कर लोगे तो सेकंड वाले डब्बे पे चलते हैं बच्चों, कोस 2 ए का फॉर्मूला क्या हो, थर्ड वाले डब्बे पे चलते हैं यहां पे, तो कोस 2 ए का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, वही चीज करते हैं दोस्तों, क्या 1 को इधर भेज देते हैं, तो 2 कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसको यहीं पे रखते हैं, 1 को LHS में भेजते हैं, तो 1 प्लस कोस 2 ए बन गया दोस्तों। तो ये फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए, क्या कि कोस 2 कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस कोस 2 ए, और 1 प्लस कोस 2 ए क्या होता है 2 कोस स्क्वायर ए। तो दोस्तों टोटल कितने फॉर्मूले हो गए, टोटल फॉर्मूले हो गए आपके पास 5, 5 फॉर्मूले हो गए दोस्तों, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर हो गया 5, ये नंबर 5। तो आपको कितने हैं सर, भैया एक और बचा है, एक और बचा है, याद करें, बिल्कुल करें। चलो ध्यान से देखना, अपन अब इस वाले को उठाने से ये बना, इस वाले को उठाने से ये बना, तो ये जो बेसिक फॉर्मूला था इसको उठाने से भी कुछ ना कुछ बनेगा दोस्तों। तो नंबर 6 पे आप देखो, कोस 2a का बेसिक फॉर्मूला था कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बेसिक फॉर्मूला था कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, किसका, कोस 2a का, ये रहा डब्बा नंबर 1, ये लिख दिया मैंने यहां पे। अब आपके दिमाग में चमकना चाहिए, नीचे क्या इसके डिनोमिनेटर में 1, बच्चों 1 को क्या लिखोगे, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, या कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, बात एक ही है दोस्तों, दोनों की वैल्यू 1 ही होगी, सेम बात है। चलो तो 1 को मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, अब आपको पता है मैं क्या करने वाला हूं दोस्तों, मैं क्या करने वाला हूं, मैं ऊपर जो डिनोमिनेटर है इसको डिवाइड कर देता हूं कोस स्क्वायर ए से, सॉरी न्यूमेरेटर, ऊपर जो न्यूमेरेटर है उसको कोस स्क्वायर ए से, और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको भी कोस स्क्वायर ए से डिवाइड कर देता हूं। तो भैया ये दोनों किससे डिवाइड होंगे, कोस स्क्वायर ए से, ये दोनों किससे डिवाइड होंगे, कोस स्क्वायर ए से, कर दो दोस्तों, आपके सामने एक नया फॉर्मूला फिर आ जाएगा। जैसे ही आपने कोस स्क्वायर ए को लिया, इसको डिवाइड किया तो 1, इसको डिवाइड किया तो माइनस टेन स्क्वायर ए, ध्यान से देखिए दोस्तों, जैसे ही कोस स्क्वायर ए को लिया, इसको डिवाइड किया तो 1, इसको डिवाइड किया तो टेन स्क्वायर ए, ऐसे कैसे ही जो डिनोमिनेटर में आप जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, कोस स्क्वायर ए से इसको डिवाइड किया तो 1, एंड इसको डिवाइड किया तो प्लस टेन स्क्वायर ए। तो कोस 2a का फॉर्मूला आपके सामने है दोस्तों, बहुत ही प्यारा फॉर्मूला, कोस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये नंबर कौन सा हुआ दोस्तों, 6 नंबर फॉर्मूला, ये 6 नंबर फॉर्मूला हुआ है। तो ये देखो फॉर्मूलों की बाढ़ सी आ गई है आपके पास, पूरा बोर्ड भर गया एकदम चकाचक, है ना। आप कहेंगे सर फॉर्मूले ही फॉर्मूले हो गए, बिल्कुल बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले ही फॉर्मूले होने वाले हैं। तो ये कहानी बनी दोस्तों, अब कुछ कहानियां और बाकी है, तो इसे नोट डाउन करें, अपन उनको भी खत्म कर देते हैं। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, अपन कुछ प्यारी प्यारी बातें और करते हैं, कुछ अच्छी अच्छी चीजें और सीखते हैं दोस्तों। तो थोड़ा सा ध्यान बनाए, कंसंट्रेशन बना के रखें दोस्तों। फॉर्मूले आपको मैंने जस्ट याद करवाए, एक बार आपको वीडियो में सारे फॉर्मूले आपको लिख लेने हैं, साथ साथ मैं नोट्स भी दूंगा उसमें भी लिखे होंगे, लेकिन फिर भी आपको लिख लेने हैं। लिखने के बाद आप क्या करेंगे, उनको दीवार पे चिपका देंगे, उनको सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले दिमाग में फिट हो जाने चाहिए दोस्तों, है ना, याद हो ही जाने चाहिए।
मैंने पूछा 1 cos 2a / 1 cos 2a की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, तपाक से आंसर आना चाहिए कि 1 cos 2a का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि 1 cos 2a होता है दोस्तों 2 sin² a, और मैंने ये भी बोला था कि इसको इंडिविजुअल फॉर्मूले की तरह याद रखना है, उल्टा पुल्टा कैसे भी पूछ ले। ऐसे कैसे 1 cos 2a का फॉर्मूला दोस्तों क्या बताया था मैंने, 2 cos² a, ये भी उल्टा पुल्टा कैसे भी पूछे, चाहे इधर से पूछे चाहे इधर से पूछे, आपको आना चाहिए। तो दोस्तों 1 cos 2a क्या बन जाएगा, 2 sin² a बन जाएगा, 1 cos 2a क्या बन जाएगा, 2 cos² a बन जाएगा, खटाक खटाक, तो ये क्या बन गया दोस्तों, tan² a बन गया दोस्तों। पिक्चर क्लियर? तो भैया 1 cos 2a 1 cos 2a को सोल्व करने पे क्या आया, टेन स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है, बिल्कुल नहीं याद करना है, बिल्कुल नहीं, आपको तो ये याद रखने हैं, ये ऑटोमेटिक आप कर लेंगे। आगे बढ़े दोस्तों, sin 2a / 1 cos 2a, क्या फॉर्मूला होता है sin 2a का, 2 sin a cos a, एंड 1 cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, यहां से देखिए 2 cos² a, आपको फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए, 2 cos² a, खटा 2 से 2 गया, cos a से cos a गया, क्या बचा दोस्तों, sin a / cos a, क्या होता है दोस्तों sin a / cos a, tan a, खटा तो sin 2a / 1 cos 2a दोस्तों क्या आया, tan a। पिक्चर क्लियर दोस्तों? ऐसे फॉर्मूले लगाने आपको आने चाहिए, फॉर्मूले आपको याद हो जाने चाहिए। अब मैं बात करता हूं tan 2a के फॉर्मूले की। आप कहेंगे सर किसमें निकालना कैसे निकालना, भैया tan a के फॉर्म है ही, फॉर्मेट में ही आपको यह फाइंड आउट करना है कि tan 2a का फॉर्मूला क्या होगा। जैसे अपन ने किया था, क्या किया था, sin 2a का फॉर्मूला क्या था, 2 tan a / 1 tan² a। ऐसे कैसे ही दोस्तों cos 2a का फॉर्मूला क्या था, 1 tan² a / 1 tan² a, याद रखे बच्चों। तो इन दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, sin 2a / cos 2a क्या होता है दोस्तों, tan 2a होता है, और tan 2a होता है तो क्या बनेगा दोस्तों, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो ये वाला एंड ये वाला दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर बचेगा 2 tan a / 1 tan² a। ध्यान से देखिए दोस्तों, sin 2a / cos 2a क्या होगा, tan 2a, ये वाला एंड ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा न्यूमेरेटर में, ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 2 tan a / 1 tan² a, 2 tan a / 1 tan² a, तो ये क्या बन गया, tan 2a का फॉर्मूला बन गया, ये एक डब्बे में डाल दिया, इसका मतलब आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो tan 2a का फॉर्मूला क्या हुआ दोस्तों, 2 tan a / 1 tan² a, और ध्यान से देखोगे तो sin 2a का फॉर्मूला क्या था, 2 tan a / 1 tan² a, ओनली डिफरेंस प्लस माइनस का है, अगर प्लस होता है तो sin 2a, और नीचे अगर माइनस हो जाता है तो tan 2a का फॉर्मूला बन जाता है दोस्तों। तो ये थे बच्चों कुछ प्यारे प्यारे फॉर्मूले, ये आपको याद हुए होंगे, इनको याद करना भी है। डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे डाउट होते हैं जो बार बार बच्चों के क्रिएट होते हैं, मैं उनको क्रिएट नहीं होने देना चाहता, इसलिए मैं डाउट वो अभी ही क्लियर कर देना चाहता हूं। कुछ बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं दोस्तों, जैसे मैंने लिखा 1 cos 2a = 2 sin² a, बच्चों अगर यहां पे 1 cos a होता तो आप क्या लिखते, इस फॉर्मूले में जनरलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है कि ये चीज क्या है और ये चीज क्या है। भैया ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, और ये क्या है, ये उसका हाफ एंगल है, यहां जितना एंगल था उसका हाफ यहां पे हुआ, मुझे फर्क नहीं पड़ता यहां 2a है या यहां कुछ और आएगा, यहां पे 2a है या 4a है या 6a है या a है, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, मैं बढ़िया अच्छे से एग्जांपल लेके जनरलाइजेशन कर रहा हूं, ध्यान से देखना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सपोज मैंने लिखा 1 cos a, चलो पहले मैं ऐसा करता हूं, यहां पे लिखता हूं 6a,
यहां 6a है, तो ध्यान देना यहां जो एंगल था यहां क्या होता है हाफ हो जाता है, तो यहां क्या होगा 2 साइन स्क्वायर 3a। अगर यहां 6 था तो उसका हाफ एंगल क्या होता है 3a, तो यहां पे आ गया 3a। अगर मैं यहां पे 1 माइनस कोस 4a लिखता दोस्तों, तो यहां पे आप क्या लिखते 2 साइन स्क्वायर 2a। आप कहेंगे सर क्या ऐसा इसी में, ना भाई ना, सभी फॉर्मूलों में ऐसा ही होता है। ध्यान दो यहां 2a था तो यहां एंगल हाफ हो गया, यहां 2a था यहां एंगल हाफ हो गया, तो पिक्चर क्लियर रखें दोस्तों, जहां एंगल हाफ हो रहा है वहां हाफ करें, जहां डबल हो रहा है वहां डबल करें, इसके फेर में ना पड़े कि यहां क्या लिखा हुआ है। ये जो भी है वो एक एंगल है, यहां पे उसका हाफ एंगल है। अगर सपोज दोस्तों 1 माइनस कोस ए होता तो क्या होता, जो यहां पे एंगल है उसका हाफ यहां लिखना है, तो 2 साइन स्क्वायर ये एंगल ए है, इसका हाफ क्या होगा दोस्तों ए बाई टू। तो ये कहानी में कहीं किसी के कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए भैया कि ये वास्तव में हो क्या रहा है, ये जनरलाइजेशन है। और ज्यादा चले तो 1 माइनस कोस ए बाई टू होता तो आप क्या लिखते 2 साइन स्क्वायर ए बाई फोर, क्योंकि ये एंगल था तो ये इसका हाफ एंगल है। तो मेरे हिसाब से कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा दोस्तों, फिर भी अगर किसी बच्चे के पास कोई भी डाउट रहता है तो थोड़ा सा डाउट मैं और क्लियर करना चाहूंगा, ठीक है। मैं कुछ और फॉर्मूले लेके, सपोज दोस्तों जैसे किसी का साइन 2a का फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला था 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ध्यान से देखिए आप, अगर मैं यहां पे 4a ले लूं तो क्या फॉर्मूला होगा दोस्तों, जो ये एंगल था उसका हाफ एंगल यहां पे है, तो ये 4a होता तो फॉर्मूला क्या होता 2 tan 2a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 2a। अब मैंने क्या किया, जो यहां एंगल था उसका हाफ मतलब 2a यहां पे पुट कर दिए, जैसा कि यहां पे हुआ था। सपोज आपको दोस्तों साइन ए का फॉर्मूला पूछ ले इसी फॉर्मेट में, तो क्या होगा दोस्तों, ये एंगल है तो यहां पे आप क्या करोगे, इसका हाफ यानी a बाई टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू। ये पिक्चर सबके क्लियर हो जानी चाहिए बच्चों। मैं फिर कुछ डाउट क्लियर करना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि बच्चों के इसमें बहुत डाउट आते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों के कोई भी डाउट आए, है ना, इसलिए मैं आपके कोई डाउट आने देना ही नहीं चाहता। कुछ फॉर्मूले और देखिए, सपोज मैं अगर 2 साइन स्क्वायर ए, चलो कोस ले लेते हैं, 2 कोस स्क्वायर ए लेता हूं तो इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस 2a, अभी मैंने आपको पढ़ाया था। अब इसमें ध्यान से देखना, यहां पे एंगल था हाफ, या यहां पे जो एंगल था एंगल इसको माने तो ये क्या हो गया, यहां पे डबल हो गया, ये डबल एंगल हो गया। अगर यहां पे a था तो यहां पे क्या हो गया दोस्तों 2a, तो अगर मैं ऐसे लिखता 2 cos स्क्वायर 2a, तो आप इसका फॉर्मूला क्या लिखते दोस्तों, यहां पे जो एंगल है उसका डबल यानी यहां क्या हो जाएगा 4a। रिवर्स गियर में गाड़ी चला रहा हूं दोस्तों, अगर मैं यहां पे लिख देता 2 cos स्क्वायर a बाई 2, तो यहां पे आप क्या लिखते 1 प्लस, यहां जो एंगल होता है उसका डबल यहां होता है, तो यहां a बाई 2 है तो इसका डबल क्या होगा a होगा, तो 1 प्लस कोस a होगा दोस्तों। इधर 2 कोस स्क्वायर a बाई 2, यहां a बाई 2 कर दिया तो उसका डबल a बाई 2 का डबल क्या होता है a, तो यहां पे क्या लिख दो a। तो ये कहानी आपके समझ में आई होगी दोस्तों, मैंने ऑलमोस्ट क्या मतलब सारे ही फॉर्मूले कवर कर दिए। अब अपन 22.5 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, है ना, एंड साथ ही साथ 7.5 डिग्री की वैल्यू भी फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो इन a बाई 2 फॉर्मूलों के हिसाब से अपन 22 एंड हाफ एंड 7.5 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बहुत मजा आने वाला है, इस तरीके से अपन खूब सारे क्वेश्चन भी करेंगे, तो दोस्तों इनको नोट डाउन करें। अगले सेशन में क्या होने वाला है, अगले सेशन में अपने पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, जो ये फॉर्मूले पड़े हैं उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, कैसे क्वेश्चन करना है, क्या क्या करना होता है, सब कुछ डिस्कशन करेंगे। लेकिन इन सब बातों के बीच अपना चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों को बताना भी ना भूलें, टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन करना भी ना भूलें, और प्लेलिस्ट में जाके ट्रिग्नोमेट्री की डीपीपी करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर के साथ।